हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड आफ्टरनून गाइस। तो अभी मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ और मेरे साथ यहाँ पर दोनों बच्चे भी रेडी हो गए। हेलो कार्तिक। हेलो हेलो काव्या। हेलो। और आज हम लोग घूमने जा रहे हैं और आज सिर्फ हम मैं बच्चे दोनों लोग जा रहे हैं और आज ये नहीं जाएंगे, ये घर पर ही रहेंगे। और आज हम लोग कहीं एक जगह रिलेटिव के घर जा रहे हैं। जनवरी में हमें उनके घर जाना था बट पूरी सर्दियां निकल गई हैं, हम उनके घर जा नहीं पाए हैं। तो अभी मैं जल्दी से चलती हूँ और फिर आपसे वहीं पहुँच कर बात करती हूँ। शाहदरा में, जहाँ पर मैं पहले भी कई बार आ चुकी हूँ। मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया है और एक ब्लॉग मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था गोद भराई का, क्योंकि प्रिया की गोद भराई का था। तो आंटी के घर एक बेबी बॉय हुआ है तो मैं आज प्रिया से यहाँ पर मिलवाऊंगी। हेलो प्रिया। और प्रिया की ही गोद भराई का वीडियो था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। हाँ, और यहाँ पर काव्या है और कार्तिक है। काव्या कह रही है मुझे तो दिखा दो। और आज हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे और दोपहर को 3 बजे, बट काफ़ी दिनों के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ चाय पीने के बाद। बहुत देर हम लोग बातचीत करते रहे, प्रिया से बहुत देर बात हो गई, सब लोगों से बात हो गई। मतलब आने के बाद मुझे टाइम का कुछ पता नहीं चला है और अभी कितना 8 बजे है, 9 बजने वाला है और मैं अब आप लोगों से बात कर रही हूँ। अभी 9 बज चुका है और बच्चे तो यहाँ आकर बिल्कुल पागल हो चुके हैं, खेलने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी हमारा बेबी बॉय और जो हमने प्रिया, ये देखिए हमारे न्यू मेहमान हमारे घर के, स्मॉल बेबी, एक हमारे घर छोटा सा नन्हा सा मेहमान आया है। और ये झुनझुना देख, हाँ ये झुनझुना देख लो। और ये अभी इनका झूला रेडी किया गया है तो इस पर बिठाकर इनको टेस्ट किया जा रहा है। ये खुश है यानी पिछले 10-15 मिनट से झूले पर बैठे हुए हैं और बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं देखकर। मतलब इनको इस झूले में बैठकर ऐसा एहसास हो रहा है कि हम गोदी में है, नहीं तो बार बार में गुनगुनाने लगते हैं कि हमें गोदी ले लो, गोदी ले लो। बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। दिसंबर में हुए थे, 21 दिसंबर को हुए थे और उसके बाद आंटी के घर हुआ, पूजन का फंक्शन था लेकिन मैं आ नहीं पाई। और अगर मैं आती तो आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा ब्लॉग शेयर करती। उस दिन हम लोग लखनऊ शादी में गए हुए थे तो मैं यहाँ पर फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई और मैं अभी आपसे यहाँ पर मिलने के लिए आई हूँ। और ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। काव्या इनको बार बार झुंझुना रख दो, मम्मी ये रख दो, काव्या बहुत ज़्यादा खुश है। और यहाँ आप आ जाइए और यहाँ पर ये है, देखिए आंटी है। हेलो बच्चे, और आप लोगों ने पहले भी मिला होगा, बहुत अच्छी आंटी है। मतलब मुझे बुलाती रहती है बच्चों का। जब जितना बड़ा आप इस बेबी बॉय को देख रहे हैं ना, हमारा कार्तिक जितना ही छोटा था तब से हम लोग साथ में हैं। कितना छोटा था, मैं कार्तिक को लेकर आई थी आपके पास, है ना, 1 महीने का, 1.5 महीने का था, 1.5 महीने। तब से आंटी ने, मतलब मुझे पता नहीं चला कि कार्तिक कहाँ बड़ा हो गया। पूरा हर समय खिलाना करना सब कुछ उसको, इतना बड़ा कर देना। और थोड़ी सी भी दिन की छुट्टी होती है ना तो आंटी बोलती है जल्दी से आ जाओ मेरे पास थोड़े दिन रहने के लिए, ये समझ लेना मायके में रह रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है। अब तो कार्तिक जाएंगे तो और बुरा लगेगा हमें तो। और यहाँ पर ये है हमारे भैया। हेलो कर दीजिए भैया। इनकी कार्तिक से बिल्कुल नहीं पटती है, कार्तिक में और इनमें आपस में दुश्मनी ही रहती है। हेलो कार्तिक। हेलो कार्तिक, यहाँ के बहुत शैतानी कर रहे हैं। और यहाँ पर अंकल जी, अंकल जी हेलो कर दीजिए। अंकल जी का और कार्तिक का बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। मतलब अंकल जी की थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो ना तो अंकल जी कहते हैं कार्तिक को भेज दो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। और आंटी ने यहाँ पर एक फिश पॉन्ड रखा हुआ है, इसमें फिश हाँ है तो नीचे 2 फिश है इसके अंदर, अच्छे से घूम रही है। सिटी क्या पढ़ा रही है? हेलो सिटी। हेलो भाभी। अच्छा ये स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है क्या? हाँ यशी भी पढ़ती है। हेलो यशी। हाय।
यशवी को बहुत इंतजार था, आंटी कब आप ब्लॉग बनाओगी, मुझे टाइम बता दो तो मैं ऊपर आ जाऊंगी। यशवी को भी हम बचपन से देख रहे हैं, यशवी भी बहुत छोटी थी, 2-2.5 साल की थी तब से यशवी हमारे साथ है। और यहाँ पर ये है आंटी की बेटी स्वीटी, हेलो। और ये ट्यूशन पढ़ा रही है अभी बच्चों को, यहाँ पर इनके स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो मैं यहाँ से चलती हूँ। स्वीटी आ गई है और आज उसने मुझे दिन में बताया था कि उसने अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी लॉन्ग ड्रेस ली है और अभी होली आने वाली है तो अभी इस बार होली पर मुझे भी अपने लिए लॉन्ग ड्रेस लेनी है। तो मैं स्वीटी को बोल रही थी कि मुझे थोड़ा सा आइडिया दो कि मैं किस टाइप की लॉन्ग ड्रेस लूँ कि मेरे ऊपर अच्छी लगे। तो स्वीटी ने कुछ न्यू ड्रेस लिए तो उसने यहाँ पर अभी सब निकाल कर रखी है कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और इस तरीके से ये सिंगल पीस है, इसके साथ दुपट्टा है। अच्छा, तो मैं कैमरे को फ्रंट करके दिखाऊंगी आपको किस तरीके की है। और ये वाला एक सूट है लॉन्ग, और इसके गले पर इस तरीके से यहाँ पर ये जरी का वर्क हो रहा है और इसमें यहाँ पर ये स्टोन लगे हुए हैं और यहाँ पर ये लगे हुए हैं जरकन वाले नग जो अच्छे से शाइन करते हैं। मैं आपको एक बार कैमरा पास करके अच्छे से दिखाती हूँ। और इस सूट की यहाँ पर मैचिंग में दिया है सरी का सिल्क का पिंक कलर का दुपट्टा। दुपट्टे को फ्रंट करना थोड़ा सा। और ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरा ट्राई करूँ, सिफोन का है ना। और उसके बाद ये है सिटी का सेकेंड और ड्रेस जो कि वन पीस ड्रेस है, और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये प्लेन पर और नीचे में एक बहुत पतला सा इसमें गोल्डन कलर का हाँ बॉर्डर है, उसके ऊपर यहाँ पर बीच में इस तरीके का वर्क दिया गया है। ये गोटा पट्टी का काम है और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद ये है एक सेकंड सूट, इसमें इनर जो है प्लेन है और उसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके का इसके नेक पर वर्क किया गया है फ्रंट पर और ऊपर नेक पर, और ये स्लीवलेस है यहाँ से। और इसके ऊपर यहाँ पर एक ये इनर दिया गया है जो कि मुझे ये वाला सूट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इनर की स्लीव्स फुल है, उसके बाद ऊपर से इस तरीके का इसमें काम है। काम को मैं पास से दिखाती हूँ, इस तरीके के इसमें बूटे पड़े हुए हैं और मुझे ये वाला सूट सबसे ज़्यादा सुंदर लगा। अगर आप लोग भी होली पर अपने लिए न्यू कलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस टाइम मार्केट में बहुत अच्छा समर कलेक्शन आ चुका है। और यहाँ पर अभी मैंने सारी कुर्तियाँ आपके साथ शेयर कर दी हैं जो कि लॉन्ग ड्रेसेस थी, पार्टी वेयर ड्रेसेस थी। और यहाँ पर एक और ये मेरे पास सूट है, ये लेमन कलर का, अभी मुझे आंटी ने दिखाया था। और ये प्रिया का सूट है, इसमें ये है इसका दुपट्टा और इसमें ये गोटा पट्टी का काम हो रहा है। आजकल गोटा पट्टी का काम ना हर ड्रेस में बहुत ज़्यादा चल रहा है और इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सिफोन का फैब्रिक है इसका, और इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये लाइट लेमन कलर है।
और गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये है इसकी कुर्ती, तो मैं यहाँ पर इसकी कुर्ती आपके साथ शेयर कर लूँगी। जो हम कुर्ते लाए थे ना तीन साइड में भी चिर हुई है। और ये कुर्ती जो है कॉलर वाली बनी हुई है, ये सूट जो है स्टेज्ड है, बस इसको फिटिंग दिलवानी होगी। और इसमें ये गोटा पट्टी के ही छोटे छोटे ये फ्लावर्स बनाए गए हैं, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा अच्छे से। और ये है इसका प्लाजो, ये मुझे सूट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। प्लाजो के नीचे की तरफ ये इस तरीके से वर्क किया गया है, बहुत 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 सुंदर सूट है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका प्रिया सूट। प्रिया बेबी को लिए बैठी है। अभी हम सब लोगों ने बेबी को खूब खिला लिया और अभी बेबी ने अपना न्यू कैरी कॉर्ड को बहुत अच्छे से यूज़ किया है, उसको इंजॉय किया है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको सिक्स शेप में चेंज कर सकते हैं, इसको डिफरेंट डिफरेंट हम शेप दे सकते हैं। और ये जो कैरी कॉर्ड है ये बेबी का है, इस तरीके से हम इसको इस तरीके से हैंग भी कर सकते हैं। और इसके नीचे ये स्टैंड लगा है, इसके बेस पर इसको नीचे रख सकते हैं और इस पर बेबी जो है बहुत ज़्यादा खुश रहता है। काफ़ी देर सर इस पर ये छोटू बैठा हुआ था, बहुत हंस रहा था, अदरवाइज थोड़ी थोड़ी देर में रो रहा था। सर्दी है तो गोदी चाहता है कि हम लोग उसको गोदी ले रहे हैं। और इसको ना हम सिक्स शेप दे सकते हैं, तो यहाँ पर सिक्स शेप इसमें दी गई है। तो ये वो कैरी कॉर्ड का यहाँ पर ये पूरा कैटलॉग बना हुआ है और इस टाइप का हमने ये बनाया हुआ है, इसी शेप में हमने इसको भी बनाया हुआ है। और साथ हम इसको सिक्स शेप में कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट शेप दी हुई है यहाँ पर बेबी चेयर, हम इसको स्विंग बना सकते हैं, बाथ टब बना सकते हैं। और उसके साथ ये सेफ्टी नेट दिया हुआ है इसमें और वाटर स्टैंड भी दिया गया है। इसको हम रॉकर बना सकते हैं और हम इसको बाउंसर बना सकते हैं और हम इसको कैरिंग भी कर सकते हैं और उसके साथ हम इसको फीडिंग भी कर सकते हैं। ये सारी शेप हमने इसमें कैरी कॉर्ड में बनाकर देख ली है। तो अगर आपका भी बेबी अगर छोटा है तो आप इस तरीके का परचेज कर सकते हैं। और सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि कितने काम की चीज़ है। अगर आपका भी बेबी छोटा है, अभी बेबी 2 मंथ का ही है और आप घर में अकेले हैं या फिर कहीं भी, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप बेड के ऊपर भी रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, कहीं भी। बहुत छोटा साइज़ है और इसमें बेबी बहुत ज़्यादा खुश रहता है, तो मैंने आपको ये दिखा दिया है। और इसका प्राइस क्या है ये मुझे नहीं पता है, अगर आप इस तरीके का कुछ लेना चाहते हैं 700 अराउंड 700। और इसका प्राइस जो है 700 या फिर 800, अभी भी आंटी मुझे बता रही है। और आप अगर इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं, अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके का कैरी कॉर्ड आप परचेज कर सकते हैं, किसी के बेबी को गिफ्ट कर सकते हैं। और इसकी MRP 700 या फिर 800 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और 700 और 800 में अगर आपको इतनी अच्छी चीज़ मिलती है कि आप इसको सिक्स शेप में चेंज कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर मैंने आपको ये दिखा दिया है लाइव ये किस तरीके का है। और काव्या ने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए, डिनर करने बाहर नहीं जा रहे हैं आज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और मॉर्निंग में मैं घर से आई हूँ तब भी बारिश हो रही थी, लेकिन मुझे आज यहाँ पर आना ही था क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, तब से मैं बोल रही थी कि मुझे जाना है जाना है, तो आज मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। और डिनर हमने बाहर से ऑर्डर किया हुआ है, तो बस अभी हम लोग डिनर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं।